ये होटल है, हमारा घर नहीं। अलमारी कपड़े क्यों रख रही हो? वैसे भी ये रहन बसेरा है, घर बसेरा नहीं। लोग आते हैं, कुछ शामी गुजारते हैं, फिर घर घर को वापस लौट जाते हैं। कितनी बातें करते हो तुम, पटर पटर पटर। मैं पटर पटर बोलता हूँ? मैं नहीं, पटर पटर नहीं, चिक चिक करते हो, बहुत चिक चिक करते हो। चिक चिक जो मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल सही बोलता हूँ। ओके, देखो देखो, मुझे होटल में घर बसाना बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, एंड यू नो दैट जी, घर तो वहां बसता है जहां जहां आप अपने जीवन साथी के साथ बसते हैं, जहां दो प्यार करने वाले बसते हैं, उसी को घर कहते हैं। इसलिए आप जहां रहे उसे बिल्कुल घर के तौर तरीकों से ही रखना चाहिए। अब प्लीज ज्यादा बातें मत करो, अब तुम चुपचाप रहो और मुझे कपड़े लगाने दो। मेरी शर्ट रखो, चलो। अरे मुझे पसंद नहीं है कि मैं सूटकेस पे रहूं। मेरा मतलब है कि कपड़े सूटकेस पे रहें। मैं चाहती हूँ कि सारे कपड़े कबर्ड में रहे, ताकि जब भी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो वो आंखों के सामने हो, जब भी कुछ चाहिए आराम से निकाल लो। और वैसे भी ऋषि, जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा खिटपिट तुम ही करते हो। कभी खिटपिट, कभी चिक चिक। पति से इज्जत से बात किया करो। ओके, मेरी शर्ट छोड़ो, चुपचाप रखो, मेरा सामान बाहर रखो। चलो छोड़ो मेरी शर्ट। नहीं छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम अपने सूटकेस में रहो, अपने कपड़ों के साथ वही अच्छे लगते हो। मान गई ना, तो पहले ही मान जाए करो ना यार। पता है जो अच्छे पत्तियां होती है ना, वो अपने पत्तियों के साथ ना, वो मतलब उनके साथ चिक चिक नहीं करती, खिटखिट नहीं करती, उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करती है। जैसे कि ए जी, लो जी, सुनो जी, हटो जी, आराम से जी, जैकेट खराब हो जाएगा। एक मिनट, पहली बात तो ये कि मेरे इस मंगलसूत्र से तुम्हारा जैकेट खराब नहीं होगा, और दूसरी बात, अगर कुछ खराब होता भी है तो तुम किसे खराब होने दोगे, जैकेट को या मंगलसूत्र को? ऑब्वियसली मंगलसूत्र को। मैं अपना जैकेट क्यों खराब करूं? स्टूपिड। अरे जैकेट क्यों खराब करूं यार? अरे तनुजा यार, तुम खराब करो अपने कपड़े, मैं क्यों खराब करूं? मैंने मलाइका से वादा किया है कि मैं इसकी शादी तेरे साथ करवाऊंगी, और तेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना बेटा, तो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार तू होगा। ठीक है, मैं कल शाम को मलाइका से शादी करूंगा। सब खराब हो गया, सब कुछ खत्म। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं ऋषि, ना तुम्हारी किसी कहानी से, ना तुम्हारी किसी निशानी से, सब खत्म कर दिया तुमने। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों आसे पति पत्नी हुए, जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें। चलिए सीधर जी, चलो ना, चलो 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 चलो। जी रहो, स्वागत रहो। ऋषि और तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे, हमेशा तुम दोनों खुश रहो। तुम इस घर पर ही नहीं, इस घर के सभी लोगों के दिलों पर राज करो, ऐसे ही आबाद रहो और जेल में बर्बाद। ऋषि, जेल जाने के लिए तैयार हो जा। अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना गुनाह है। और एक मिनट, हमारे घर में खड़े होकर मेरे बेटे ऋषि को जेल भेजने की धमकी दे रहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
एंड बाय द वे है कौन तू? शेखर सिंह अलावत, पुराना दुश्मन और इस दुश्मन का दोस्त भी, आप लोगों का दुश्मन। यस मिस्टर ओल्डमैन, जिस लड़की के साथ आपके बेटे की शादी हुई है उस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली थी। आई मीन होने वाली है। मलाइका मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी मलाइका का नाम लिया तो समझे, वरना ओ अच्छा हाँ, ये सब तो हो नहीं था। तनुजा को तो ये सब करना ही था ना। बता, तनुजा ने खरीदा ना तुझे? हाँ, तनुजा ने तुझे भेजा ना यहां पर। लेकिन एक बात ध्यान रख, ये जो मेरी मलाइका है, मेरी मलाइका मलाइका डार्लिंग, कम ऑन। देखा, ये मलाइका अब बेदी परिवार की बहू है, इस घर की इज्जत है, ये ऋषि की पत्नी है। और अगर आज के बाद तूने अपना हाथ बढ़ाया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मलाइका, मेरे शेखर को कोई हाथ लगा कर तो दिखा, हाथ तोड़ दूंगी। ये मेरा शेखर, मेरा प्यार, और मेरी शादी होने वाली थी लेकिन इस ऋषि की वजह से नहीं हो पाई। ऋषि ने इसका बिजनेस बर्बाद कर दिया, हमारे सारे सपनों को भी बर्बाद कर दिया। उसी दिन हमने कसम खाई थी कि इस बर्बादी का बदला जरूर लेंगे। ले लिया आज बदला। हाँ ऋषि, किसी से बदला लेना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली ऐसी फैमिली से जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जिस फैमिली में रानो आंटी जैसी माँ, वहां पर सब पॉसिबल है। क्योंकि अगर रानो आंटी जैसी माँ, तो उनके बेटों को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। मदर इंडिया की जय हो। मुझे पता है अब आप सब क्या करेंगे। सारे मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे, कोई मुंह तोड़ेगा, कोई हाथ तोड़ेगा, कोई भाषण देगा, और कोई अभी बोलेगा कि इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। अरे आप सब खड़े क्यों, बाहर निकालो ना। अरे निकालो बाहर। नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं मलाइका हूं, मलाइका। लेकिन आप जैसे इमोशनल फूल्स को फूल बनाना मुझे अच्छे से आता है। बस दो आंसू बहाओ और कर लो अपने कंट्रोल में। बस यही किया कल रात को मैंने ऋषि के साथ भी, दो आंसू बहाए और ऋषि को अपने कंट्रोल में कर। ऋषि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ऋषि, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अच्छे से सोच लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को तनुजा वापस आए और दो आंसू बहाए तो तुम उसकी बातों में आ जाओ, या तुम फिर से पिघल जाओ और मुझे घर से बाहर निकाल दो। मतलब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगी? और तुम तो जानते ही हो, एक डिवोर्स्ड लड़की की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी अगर तुमने छोड़ दिया तो?
पिछली बार भी जब हमारी शादी टूटी थी तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी और फिर मैं कोई काम नहीं किया और सारा बिजनेस डूब गया। मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारी सभी बातें समझता हूँ। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। पता है क्या, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, आज सुबह से अपने साथ लेकर घूम रहा था। अरे जब वो अनुजा को जब डिवोर्स दूंगा तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मांगेगी, है ना? तो मैंने सोचा कि मतलब किसी भी तरह ले दे के बस उससे पीछा छुड़ा लूं मैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि 90% जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मैं तनुजा के नाम करता हूं। लेकिन क्योंकि अब हमारी शादी हो रही है, हम एक होने वाले हैं फाइनली, इस 90% प्रॉपर्टी के असली हकदार तुम हो। गिव मी अ मिनट। ये शुभ काम में देरी किस बात की है ना? सो आज से 90% प्रॉपर्टी के असली हकदार, असली मालिक अब तुम। बेचारा ऋषि, जिधर घुमाओ वहीं घूम जाता है। तो आंसू बहाओ तो ऋषि मुनि बन जाता है। ऐसे ही दो आंसू बहाकर मैंने ये पूरा के पूरा बेदी हाउस अपने नाम कराया। वैसे रानू आंटी, आपने बहुत सही आशीर्वाद दिया था मुझे, जा मलाइका इस घर पे राज कर। लो अब करेगी मलाइका इस घर पे राज। अरे रे 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 रे, इस दूल्हे का सेहरा तो बहुत सुहाना लग रहा है, पर मुझे तो ये दूल्हा आधा पागल और आधा दीवाना लग रहा है। इस पिक्चर की कहानी हम दोनों ने लिखी थी, तो आज फाइनली हम दोनों ने तुझे खलास कर ही दिया। तूने मुझसे जितना कुछ छीना था उससे हजार गुना ज्यादा मैंने तुझसे छीना। इज्जत, दौलत, शौहरत, सब कुछ, सब खलास। अरे ये कौन है? ऋषि कहाँ है? कहाँ है ऋषि? देखो बात ऐसी है कि ऋषि मुनि जो है वो पर्वत पर चले गए तपस्या करने, यही चाहते थे ना, यही हुआ। ऋषि तू तो गया, तू बर्बाद, तू फिनिश, यही सब कहा था ना। क्या हुआ, पहचाना नहीं शेखर? कैसा है यार तू, है?
प्रॉपर्टी तो साथ ही लेकर आया इसीलिए, राइट? ऋषि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी ऐसे ही किसी के साथ शादी कराने की? हाउ डेयर यू? अब डेयर नहीं, अब उसे शेयर नहीं। क्यों? तुमने ठेका लिया क्या पिक्चर बनाने का? हाँ, मतलब सिर्फ तुम दोनों पिक्चर बनाओगे? मैं नहीं बना सकता। देखो, एक पिक्चर तुम दोनों ने बनाई, एक पिक्चर मैंने बनाई, बस फर्क इतना है कि आज प्रीमियर मैंने सबके सामने कर दिया। पंडित जी प्रणाम, आपका रोल समाप्त हुआ। जी धन्यवाद। रोहित यार, क्या एक्टिंग किया, क्या धुला भाई, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, सुपर जॉब बॉय, सुपर जॉब। और अब तुम मिस या मिसेस, भाई इधर आओ। हाँ, अच्छे लग रहे हैं दोनों, सुपर फ्रेम। मिस या मिसेस मलाइका शेखर, क्या कहा तुमने? बेदीज आर इमोशनल फूल्स। हाँ, हम इमोशंस को जानते हैं और उन्हें मानते भी। अगर उसे इमोशनल फूल कहना है तो फिर ठीक है, हम इमोशनल फूल्स। और पता है क्या, इमोशनल थप्पड़ का जवाब इमोशनल थप्पड़ से ही देते हैं। तुमने क्या कहा था कि अगर तुम चार आंसू, ओ नहीं सॉरी सॉरी, इसने दो कहा था ना, दो आंसू, कि अगर तुम दो आंसू बहाओगी तो ऋषि ऋषि मुनि बन जाएगा, मतलब ऋषि तनुजा तुम्हारे झूठे आंसुओं के फर्क को समझ नहीं पाएगा। पता है क्या, पहली बार जब तनुजा ने मुझसे कहा कि उसने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा, मतलब देखा, मैंने उसकी हर एक बात हर शब्द पर विश्वास किया। हां, उसने मुझे यह कहा कि उसने तुम्हें करवा चौथ के दिन इस शेखर के साथ देखा, तो मतलब उसने देखा, मैंने उसकी हर एक बात पर विश्वास किया, हर एक शब्द पर भरोसा किया। उसने कहा कि उसने शेखर को सुना यह कहते हुए कि शेखर मुझे बर्बाद करना चाहता है, कि वो मलाइका के साथ मिला हुआ है, मतलब मिला हुआ है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने देखा, मैंने देखा, उसने सुना, मैंने सुना, बात तो एक ही है। क्यों? मलाइका, मैं तो उसी दिन तुम्हें धक्के मारकर, चाटा मारकर घर से बाहर निकाल देता, पर मेरी मां मदर इंडिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा दिल है। नहीं, ये नहीं कि वो मेरी दुश्मन है, दिल बहुत बड़ा है तो दुश्मन को भी दोस्त मान लेती है। अगर उन्हें ये सच्चाई बताता ना उस दिन तो मानती ना। इसलिए मुझे तुम्हारी ये सच्चाई सबके सामने लाने के लिए, तनुजा मेरी शादी बचाने के लिए, मुझे ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा ड्रामा करना पड़ा। क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें बेदी परिवार के 90% प्रॉपर्टी की मालकिन बना दूंगा ना, तुम अपना स्टेज सबके सामने लाओगी, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी, और वही आई। तुम दोनों ने असलियत उगल दी। पता है क्या प्रॉब्लम क्या पापा जी, इनको बेदी प्रॉपर्टी हजम नहीं, खानदानी नहीं है। हजम तो तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, जब अपने साथ साथ तुम अपने पूरे परिवार की कब्र खोदोगे, क्योंकि अब इस घर की मालकिन मैं हूं, मैं मलाइका। ओके, ओए चिड़ी दी मालकिन, ये अपनी चोंच है ना, बंद रखने तो तोड़ दूंगी, समझी? और चल निकल यहां से। ए बढ़िया मलाइका, जो शराब ऋषि, इस घर की मालकिन अब मैं हूं, मैं एक एक करके तुम सबको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। I'm sorry? तुम्हें लगता है कि मतलब ऋषि सिंह बेदी अगर नकली दूल्हा ला सकता है, नकली पंडित ला सकता है, नकली शादी करा सकता है, नकली फेरे भी करा सकता है, तो प्रॉपर्टी के नकली पेपर्स नहीं बना सकता? Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.